क्वेश्चंस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो आपने अभी बताया कि किस तरीके से हम अगर बिल बन जाता है तो क्या ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन हमारे कई ऑडियंस में से कई क्वेश्चंस ट्विटर पर भी आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या हम एक जन आंदोलन के लिए तैयार हैं, क्या हमें जन आंदोलन करना चाहिए अब, जैसे कि ये क्वेश्चन अनिल जी का है ट्विटर से, और दूसरे समर्थकों का क्वेश्चन आपके आंसर के बाद में पढ़ दूंगी। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अब पिछले 3 साल से या 2.5 साल से हमने इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन या जन लोकपाल आंदोलन की मशाल बुझने दी, जब से ये आम आदमी पार्टी का गठन हो गया, खासकर पिछले 2 साल से। लेकिन अब उस मशाल को फिर से जलाने का समय आ गया है। अब हमको लगता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी और दिल्ली सरकार के खिलाफ भी वो मशाल जलाकर आंदोलन करने का समय आ गया है, और भी राज्य सरकारों के खिलाफ भी, जिन्होंने लोक आयुक्त अपॉइंट नहीं करे हैं। जैसे यूपी ने भी, वो कुछ पुराना एक लोक आयुक्त जो है वो 5 साल का टर्म होता था, लेकिन अब वो 7-8 साल हो गए हैं, उसी को चलाए जा रहे हैं, उसका भी केस मैं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, कोर्ट में केस करना तो एक अलग बात है, कोर्ट का प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की मशाल जलाने का समय आ गया है, और हमको फिर से, क्योंकि इस केंद्र सरकार ने तो और भी बहुत गड़बड़ चीजें करी हैं। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की पोस्ट, 3 में से 2 पोस्ट खाली थी, बहुत दिन तक खाली रखी, उसके बाद 2 बिल्कुल भ्रष्ट लोगों को अपॉइंट कर दिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने में। उसके खिलाफ हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्ति चैलेंज करने के लिए, वो भी पेंडिंग है। इन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट बहुत सारी खाली रखी, उसके खिलाफ हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल करी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया कि तुम लोग तुरंत अपॉइंट करो, फिर भी नहीं अपॉइंट करा गया। अब हमने दूसरी पिटिशन फाइल करी है, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी है उसकी, वो भी पेंडिंग है। लेकिन देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया तो एक तरफ है, उसमें तो जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को सड़क पर फिर से उतरने का समय आ गया है, फिर से हम लोगों को संगठित होकर इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की मशाल जलानी पड़ेगी।